एक बार की बात है, पहाड़ी के नीचे बसे एक छोटे से गांव में एक जवान लड़का रहता था। वह लड़का उस पूरे गांव में अपने आलस्य और काम चोरी के लिए प्रसिद्ध था। सभी गांववासी उसे आलसी कहकर ही पुकारते थे, क्योंकि वह पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता, झपकियां लेता और अपने भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता। उसके दिन ऐसे ही आलस्य में गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक बौद्ध भिक्षु पधारे, जो कि अगले 3 दिनों तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। बौद्ध भिक्षु गांव में भिक्षा मांगते, दिन भर लोगों को उपदेश देते और रात्रि में गांव के बाहर बने बौद्ध मठ में विश्राम करते। बौद्ध भिक्षु जब भी भिक्षाटन के लिए जाते और भिक्षा लेकर वापस लौटते, तो वो हर बार उस जवान लड़के को उसी वृक्ष के नीचे लेटा पाते। बौद्ध भिक्षु 2 दिनों तक ये सब देखते रहे और वो समझ गए कि यह लड़का मानसिक आलस्य का गुलाम है। 3रे दिन जब बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेकर वापस लौट रहे थे, तो वह उस लड़के के पास गए, जो अभी भी उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। भिक्षु ने लड़के से कहा, बेटे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़के ने लेटे लेटे ही अपना सिर पहाड़ी की तरफ घुमाया और उसकी सबसे ऊंची चोटी तक अपनी नजर दौड़ाई। उसके बाद उसने बौद्ध भिक्षु की तरफ देखा और उपहास उड़ाते हुए कहा, यह असंभव है, मैं उस पहाड़ी के शिखर तक नहीं जा सकता, मैं बहुत आलसी हूँ। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, मुझे जिस पंख की तलाश है वो उस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा, वो तो इस पहाड़ी के दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ी के शिखर तक चढ़कर दूसरी तरफ नीचे उतरना होगा। लेकिन वह कोई साधारण पंख नहीं है, ऐसा पंख तुमने आज तक नहीं देखा होगा, वो एक दुर्लभ और सुंदर पंख है जो अपनी रोशनी बिखेरता है। भिक्षु की इन बातों से उस लड़के के अंदर उत्सुकता जागी। उसने आज से पहले ऐसे पंख के बारे में कभी न सुना था और ऐसे रोमांचक सफर के बारे में सोचकर वह अंदर से उत्साहित हो उठा। इसलिए उसने भिक्षु की चुनौती को स्वीकार करने का निश्चय किया और वह पहाड़ी की तरफ चल उठा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और कठिन थी। जल्द ही लड़के का शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी और शरीर से काफी पसीना बहने लगा, लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। वो जैसे जैसे ऊपर और चढ़ता गया, उसे प्रसन्नता और उत्साह की अनुभूति होने लगी, जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। अंततः जब वह कड़ी मेहनत और लंबे प्रयास के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा, तो वह पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन वह बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा, उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक दृश्य था। उसने अपने अंदर एक उपलब्धि की भावना महसूस की, जो उसने आज से पहले कभी न की थी। लेकिन असली चुनौती आगे थी। लड़के को पहाड़ी के दूसरी ओर उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां पंख के मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना और भी ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था, क्योंकि ढलान ज्यादा खड़ी थी और चढ़ाई के समय लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, तो वह डर भी उसके अंदर था। लेकिन भिक्षु को पंख लाने के वायदे की वजह से वह लगातार आगे बढ़ता गया। काफी खोज मशक्कत और मेहनत के बाद जब वह अंत में गुफा तक पहुंचा, तो उसने देखा कि पंख वहीं पड़ा हुआ था, जो गुफा के प्रवेश द्वार से छनकर आ रही रोशनी में चमक रहा था। उसने पंख उठाया, लेकिन उसकी सुंदरता को देखकर अचंभित रह गया। वह काफी देर तक पंख को ही घूरता रहा, लेकिन अचानक उसे याद आया कि अभी तो उसे वापस भी जाना है। उसने खुद की तरफ देखा, वह पूरी तरह से थक चुका था। वह चिंतित हो गया कि अब वह वापस पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और भिक्षु तक पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन उसे फिर वो उपलब्धि और गर्व की भावना याद आ गई, जो उसने पहाड़ी के शिखर पर पहुंचने के समय महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफर को वापस पूरा करने की ताकत और दृढ़ संकल्प है। वह दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसके मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, फेफड़े फटे जा रहे थे। वह कई बार लड़खड़ा कर गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह खुद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रेरित करता रहा था।
अथक प्रयास और घंटों की मेहनत के बाद अंततः जब वह बोध भिक्षु के पास पहुंचा और उनके हाथों में वो पंख रखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे महसूस हुआ कि आज उसने अपने आलस्य पर काबू पा लिया है और कुछ महत्वपूर्ण करके दिखाया है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और आत्मसंतुष्टि का भाव देखकर बोध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए या सहन किया जाए। आलस्य एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा, यह एक बाधा है जिसे पार करना होगा और आलस्य को खत्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही पड़ेगा, अपने लक्ष्य की ओर चलना ही पड़ेगा और तब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक तुम अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेते। लड़के ने भिक्षु के शब्दों की गहराई और उसके महत्व को समझते हुए हाँ में अपना सर घुमा दिया। आज उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा से ही बड़ी और महान चीजों को करने में सक्षम था, लेकिन उसके आलस्य ने उसे रोक रखा था। अब वह जानता था कि उसके पास अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने की ताकत और दृढ़ संकल्प है। इसके बाद भिक्षु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और उस गांव से चले गए। इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि जब हम असंभव लगने पर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हैं, तब हम अपने भीतर एक ऐसी ताकत और दृढ़ संकल्प की खोज करते हैं जिसके बारे में हम पहले कभी नहीं जानते थे। आलस्य पर काबू पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाने चाहिए, फिर चाहे वो लक्ष्य कितने ही बड़े क्यों ना हो, हम हमेशा खुद को अपनी मानसिक और शारीरिक सीमा के परे ढकेलते रहना चाहिए और असफलताओं बाधाओं का सामना करने पर भी अंदर से मजबूत बने रहना चाहिए। हमें अपने लिए एक नियम बनाकर और उस पर टिके रहकर अपने दैनिक आदतों और दिनचर्या में अनुशासन और निरंतरता भी विकसित करनी चाहिए। हम कुछ ऐसी अच्छी आदतें बना सकते हैं जो हमें मन न लगने पर भी ध्यान केंद्रित करने और क्रियाशील बने रहने के लिए मजबूर करती हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद। पुरुष या स्त्री कोई भी हो सकता है, अर्थात जब आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आती हैं जिससे मिलकर आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाए, तो वह साधारण व्यक्ति नहीं होता है। दिखने में वह भले ही दूसरे व्यक्तियों जैसा दिखता है, लेकिन वह साधारण पुरुष नहीं होता है। सिप्ला की वासना पूरी तरह से मिट गई, उसका विवेक पूरी तरह से जाग उठा। वह भिक्षु उसे गौतम बुद्ध के पास ले गए।